नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है आरआरसी ग्रुप डी। फ्रेंड्स अब एनटीपीसी की सीरीज के साथ साथ आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपको दो फायदे मिलेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं भी पसंद आ रही तो डिसलाइक कीजिए। अगर फ्रेंड कोई आपको सजेशन देना है तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक क्या कहा जाता है। तो आंसर आपके सामने ऊष्माचेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। लड़कों में यानी कि मेल्स में कह रहा है, तो फ्रेंड ये टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रेंड यही क्वेश्चन एनटीपीसी या ग्रुप डी में फ्रेंड घुमा के पूछे जा सकते हैं डिट्टो क्वेश्चन। चलिए अगला देख लेते हैं, विद्युत वलत में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन सी भरी जाती है। तो फ्रेंड आपको नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दे रखी है, तो इसका जो सही जवाब है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस जैसे भरी जाती है। अगला देख लेते हैं फिर, निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन या बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। तो कौन है फ्रेंड, वो हाइड्रा है, ठीक है। ये मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित कर सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, पूछा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है वोल्गा नदी, याद रखेगा। यूरोप की सबसे नदी वोल्गा नदी। अगला देखेगा, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आमतौर पर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सिरका कहा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया। जो मेटल्स हैं, जो तत्व हैं, उनको वर्गीकृत किसने किया, तो वो क्या, मोजलिन है, ठीक है, मोजलिन है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है। जो फ्रेंड सुनने योग्य नहीं होती, उससे नीचे की जो आवृत्ति होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किन यौगिकों में क्रिस्टलीकरण नहीं का पानी नहीं है, मतलब जो क्रिस्टलीकरण होता है उसका पानी नहीं है, तो वह बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है, कौन सा नहीं है, तो जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। अगला देख लेते हैं, वाटरलू जीके में आ जाओ, वाटरलू का युद्ध पूछा है, तो वो लड़ा गया था 1815 में। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, नाखून बाल मुहासे पैर का अंगूठा। फ्रेंड नाखून बाल पैर का अंगूठा जन्मजात आपको मिलते हैं, लेकिन जो मुहासे हैं ये जन्मजात नहीं है, कभी भी पैदा हो सकते हैं। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्लांट बॉडी है, जो निम्न प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों से अलग नहीं है। तो कौन नहीं है, तो वो है स्पाइगोरा, ये फ्रेंड जड़ों, तनों, पत्तियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, स्पाइरोगायरा, याद रखिएगा इसे। अच्छा बात करें आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है अभी ग्रुप डी में, तो फ्रेंड 17वें स्थान पर रखा जाता है हैलोजन वर्ग के तत्वों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पूछा है, तो वो है CaOH का होल ट्वाइस, याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, आपको ये विलयन दे रखा है हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता, तो फ्रेंड जिसमें कम होगी ना वही उसके हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता होगी, तो इसमें 2.4 छोटा है ना, तो इसी की जो हाइड्रोजन आयन है ना वो सबसे छोटे होंगे, याद रखिएगा। अगले देख लेते हैं, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, ठीक है, और यह झुकता है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, इसका सही एक्सप्लेनेशन है। अगला देख लेते हैं, कॉयल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, तो होती है फ्रेंड 90 डिग्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, O2 या ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है, तो फ्रेंड वो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जायकवाड़ी पार्ट 1 बताएं, तो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर, जायकवाड़ी, तो फ्रेंड वो गोदावरी पर, ठीक है, गोदावरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे, तो वो थे वाकाटक, ठीक है, विंध्या शक्ति, याद रखिएगा, संस्थापक एक बार जीके में पूछ लेता है, कोई भी पूछे, तो जो विंध्या शक्ति थे ना वो वाकाटक वंश के संस्थापक थे। अगला देख लेते हैं, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग टू, जो 57 परमाणु संख्या का जो तत्व होता है उस वो कौन से ब्लॉक में रखा जाता है, तो वो रखा जाता है पहले डी ब्लॉक में।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो वो होते हैं चार, ठीक है। मैग्नीशियम के जो समान होते हैं वो जो परमाणु क्रमांक चार पे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, यानी कि बोरोन आता है चार पे, तो उसके बराबर होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। तो बात करें किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करा, बहुत बार आता है ये तो क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है नरसिंह देव प्रथम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिट इन सॉलिड लिक्विड गैसेड, इनमें से कौन फ्रेंड जो एग्जिट ठोसों, द्रवों और गैसों में रह सकता है? तो वो रह सकता है फिर नॉन मेटल्स रह सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन पूछा है तो मैं बता चुका हूँ, तो राज्यसभा को कहते हैं और जो निचला सदन होता है उसे लोकसभा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया, जो मीडिया डस साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट, जो सबसे तेज जो साउंड जो वॉइस होती है सबसे तेज किस में चलती है साउंडिंग वेव्स? तो वो चलती है सॉलिड में फ्रेंड, ठीक है, और किसी में नहीं चलती, सॉलिड में सबसे तेज निकलती है। अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है फ्रेंड, हर बार पूछा जाता है, तो इसका जो आंसर है कनाडा की सबसे जो कोस्ट लाइन होती है ना, तटीय रेखा, वो सबसे ज़्यादा है कनाडा की। और भारत में फ्रेंड किसकी है मुझे कमेंट में बताएं जल्दी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। पृथ्वी का द्रव्यमान पूछे हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो वह 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम, ठीक है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। अगला देख लेते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध कभी कभी पूछा जाता है तो किसके बीच होता है? ये इटली और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला देख लेते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो वो करती है फ्रेंड एल्यूमिनियम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त हो जाती है? तो फ्रेंड प्रकाश संश्लेषण, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो मुक्त हो जाती है और जो पौधे हैं वो CO2 ग्रहण करते हैं। अगला देख लेते हैं। द फ्लैक्सीबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू विच टिश्यू, जो फ्लैक्सीबिलिटी होती है प्लांट में वो किसकी वजह से होती है? वो कोलेकाइमा की वजह से होती है। अगला देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? ये पूछा जाता है फ्रेंड, तो ये आर्य समाज के थे। अब मुझे कमेंट में बताइए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की, ये भी पूछा जाता कभी कभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? यानी कि pH 7 से कम बताना, तो वो होता है अमोनियम क्लोराइड का, यानी कि NH4Cl का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो वो है फ्रेंड पारपोईसेस, ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है पारापोईसेस, ऐसे ही घुमाऊँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा इनमें से जानवर वार्म ब्लडेड है? ठीक है, तो वो पिजन एक वार्म ब्लडेड है, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड है। फिश, क्रोकोडाइल, टोड, ये सब कोल्ड ब्लडेड है ना, और जो पिजन है ना वो वार्म ब्लडेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसेस ऑफ द हिल स्टेशन, ठीक है, हिल स्टेशन की जो प्रिंसेस होती है उसे क्या कहते हैं? तो वो फ्रेंड याद रखिएगा कोडिकनाल को कहते हैं फ्रेंड, ये तमिलनाडु में स्थित है और ये पूछा जाता है कहाँ स्थित है, ये फ्रेंड पलनी पहाड़ियों में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख ले। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्रेंड अपकेंद्र बल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का भारी कोश पूर्ण होता है? तो वो होता है 18वें तत्वों का जो भारी कोश होता है वो पूर्ण होता है, जो ग्रुप 18 होता है ना, जो समूह 18 होता है उसके भारी कोश पूर्ण होता है। अगला देख लेते हैं। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम क्या था? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आया था करंट अफेयर में, तो ये फ्रेंड इंदौर था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इनमें से किस सागर, जो महासागर है वो सेशेल गणराज्य स्थित है, किस महासागर में? तो फ्रेंड हिंद महासागर में सेशेल गणराज्य स्थित है। तो फ्रेंड कैसी लगी वीडियो, आई होप मैंने जल्दी लेक्चर ले लिया आपका। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन रटने हैं, क्योंकि कभी कभी ग्रुप डी में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका कोई आंसर ही नहीं होता, मतलब पता ही नहीं होता, कोई आइडिया ही नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, आपको वहाँ से मिलेंगे, ठीक है, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से आगे जब आप एग्ज़ाम देंगे। तो फ्रेंड NTPC के साथ साथ आप RRC ग्रुप डी की भी तैयारी हो रही है। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और फ्रेंड हमें जो फेसबुक पेज है हमें उस पर लाइक भी कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड अगले वीडियो के साथ एक बार मैं फिर हाजिर हूँगा आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।